हम यहाँ पर इस ऑडियो लेक्चर के अंदर अर्थव्यवस्था का संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का संगठन है किस तरीके से होता है। ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वह हमारी अर्थव्यवस्था है। इसके उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था अलग होती है। क्या उत्पादन पूरी तरीके से सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या फिर जो भी उत्पादन है वो सरकार के साथ साथ में निजी क्षेत्रों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर के अर्थव्यवस्था में काम करना चाहिए। इसी के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और हमारी राज्य अर्थव्यवस्था है और तीसरी है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम सुनते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास्को के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन में कुछ खास विचारों को जन्म दिया है। पश्चिम देशों में लोकप्रिय हुए एवं अंततः पूंजीवादी का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले 1776 में बताया है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक उन्होंने लिखी है। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज्यादा नियमन के खिलाफ आवाज उठाई थी और इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था को विस्तार उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। यानी एडम स्मिथ ने बताया था कि सरकार है उसको वाणिज्य में और उद्योग में सरकार को ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर वाणिज्य और उद्योग में सरकार ज्यादा कंट्रोल करती है, ज्यादा नियमन करती है तो अर्थव्यवस्था का विकास है वो तेजी से नहीं हो पाएगा। उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि बाजार की शक्तियों के अदृश्य हाथ देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे, आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोग हित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जरूरी बताया है। उन्होंने बताया है कि बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जैसे कि आपने कोई उद्योग लगाया उसी टाइप का दूसरे बंदे ने किसी कोई उद्योग लगाया है तो दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन होगा तो रेट की जो कीमतें हैं कोई वस्तु की कीमतें हैं वो डाउन होंगी और आम लोगों को उसका फायदा होगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया था और यह एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से प्रकाशित होने के एक साल बाद ही यहाँ पर हो गया था। इनके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले और 1800 के आते आते वहां की अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, जिसके बाद में कई और नाम की अर्थव्यवस्था है यहाँ पर मशहूर हुए हैं। कई लोग जिनके प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम है, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम है, मार्केट इकोनॉमी है, ये सभी अर्थव्यवस्था के भाग बाद में आए हैं। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, ये सारी चीजें बाजार तय करता है। उसके बाद में हम देखते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था क्या करती है? अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत जर्मन के दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है राज्य व्यवस्था का, जो कि एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में वैश्विक क्रांति के बाद में सोवियत संघ में नजर आई थी और इसका आदर्श रूप चीन ने 1949 में यहाँ पर सामने आया है। यह अर्थव्यवस्था पूरे यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियां नजर आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी की भूमिका थी। यानी जो हमारी क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी तो उसमें जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता था उस पर नियंत्रण सरकार का होता था, जबकि साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था, यहाँ तक कि श्रम संसाधन पर भी सरकार के अधीन थे, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। इसमें सरकार के पास में सारी शक्तियां मौजूद थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंदर।
और मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते के बदलाव का ही समय है, लेकिन यह वास्तव में कभी होता नहीं है। ये मार्क्सवाद में कहा है कि समाजवाद है साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन वास्तव में ये कभी नहीं होता है। मूल रूप से अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई है। इसमें हर विपरीत बातों को शामिल किया गया है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार करेगी, यानी राज्य अर्थव्यवस्था है उसमें कितना उत्पादन करना चाहिए, कितनी आपूर्ति करनी चाहिए और कितनी कीमत पर उस उत्पादन को बेचना चाहिए, ये सभी चीजें राज्य सरकार या हमारी सरकार है डिसाइड करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी हम कह सकते हैं। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण के नाम पर आलोचना करती है। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थशास्त्री इसी राज्य पूंजीवादी कहते हैं जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नजदीक नजरिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस यहाँ पर हुआ है कि साम्यवादी क्या होता है, गैर साम्यवादी क्या होता है, इनके बीच में काफी बहस हुआ है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कहती है कि राज्य अर्थव्यवस्था है वो, उसमें राज्य सरकार ही शोषण करती है लोगों का, और जो राज्य अर्थव्यवस्था है वो बताती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण होता है लोगों का। उसके बाद हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो हमारी राज्य अर्थव्यवस्था है और जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है दोनों मिलकर के काम करती है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम के यूरोप के कई देशों में भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते भारी बेरोजगारी हुई, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उभारने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए से जन्म लिया जो मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी, जो कि 1936 में आई थी। इसे देने वाले थे मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मॉर्डन केन्स। तो इन्होंने ये अर्थव्यवस्था दी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मैनार्ड केन्स ने दी है ये अर्थव्यवस्था। इनकी किताब थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी। केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा ही करेंगे, लेकिन वह गरीबों का गला घोटकर ही संभव होगा। उन्होंने कहा है कि मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा कि सबको नौकरी मिल जाएगी। उनके मुताबिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसी में मांग में गिरावट के बाद बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो 1929 की तरह महामंदी के दौर में परिवर्तित हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था को सीमाओं पर केन्स ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना जरूरी है। मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केन्स ने सरकारी खर्चे बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि, उत्पाद और सेवाओं की मांग को मजबूत करने का सुझाव दिया, क्योंकि यह सब मंदी के अहम कारक हैं। जब केन्स आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे तो उनके बचाव के रास्ते तलाश रहे थे। तब पूरे यूरोप अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को अपने में बचाना चाहिए। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी सामान और सेवा बाजार व्यवस्था के अधीन थे। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों की जरूरत की हर चीज की आपूर्ति प्राइवेट इंटरप्राइजेज के द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर होने लगा, और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई और आखिर में इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारी जो पूंजी है वो किन्हीं कुछ लोगों के पास में केंद्रित होती जाती है, और जो नीचे स्तर के लोग हैं वो वस्तुओं को खरीद नहीं सकते, और वस्तुएं खरीद नहीं सकते तो वो महामंदी का दौर ले लेती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महामंदी होने का कारण होता है।
केन्स की सलाह के मुताबिक कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया। इसमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत की गई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद सेवाओं का उत्पादन उनका वितरण शुरू किया जिसमें पब्लिक गुड्स कहा जाता है। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण देना, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, सफाई, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। जरूरत पड़ने पर इन उत्पादों पर होने वाला खर्चा आम लोगों के कर पर डाला जा सकता है। 1930 से लेकर के 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50% हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया जो सोशल सेक्टर के नाम से मशहूर हुआ। अत्यधिक आवश्यकता वाले उत्पाद और सेवा को आज तक प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते हैं। इसे कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा ताकि आम जनता बाजार में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके ताकि उसकी मांग कायम रहे। उपरोक्त उदाहरण यहाँ पर समझाने के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से खुद को एक नए सिरे से बदला। उसमें कुछ उपयोगी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यानी कि सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस तरीके से हुई जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के इस दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक थे ऑस्कर लॉन्ज, इन्होंने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया जो केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। प्रोफेसर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीजों की प्रशंसा के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्था को बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म की तरह अग्रसर होने की सलाह दी। मार्केट सोशलिज्म शब्द है ऑस्कर लॉन्ज की देन है यहाँ पर। हालांकि सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाहों को खारिज कर दिया और उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया। हालांकि बाद में यह सुझाव कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ। केन्स ने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और लोकतंत्र में इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश होती है जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है। लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती हैं लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में मोत्सो तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ में विचार सामने आया और अंततः चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। और इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर का की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। तो चीन ने 1985 में बाजार समाजवाद को अपनाया है और यह जो बाजार समाजवाद था इसे मार्केट सोशलिज्म का पहला उदाहरण रहा है। दूसरा, सरकारी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की थी। हालांकि दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने की कोशिश की। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइक नामक विचारों को अपनाया गया। रूसी शब्द है ग्लासनोहत, ग्लासनोहत का मतलब होता है खुलापन होता है जबकि पेरेस्ट्रोइका से तात्पर्य होता है पुनर्संरचना। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हो गया और विशेषज्ञों के मुताबिक बंटवारे की बजाय आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रहा है। दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो यह बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की स्थिति में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी चाहिए। चीन ने महोत्सव के समय से ही खासकर 1975 के बाद से इस दिशा में काफी होमवर्क शुरू कर दिया। उसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन का सबसे आदर्श उदाहरण माना जाता है क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की अर्थव्यवस्था की तरफ बड़ी है। इन दोनों घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ है। इसके तहत अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरों के अनुभव और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया है लेकिन 1980 के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर न तो पूंजीवादी रह गई थी और न ही समाजवादी रह गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्य दृष्टा माना जाता है
जो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते साबित हुआ है। वैसे व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखा और इस व्यवस्था को विशेषज्ञ और उनके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार को सामने आना बाकी था। और इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की जरूरत को स्वीकार किया और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए बड़ा बदलाव था, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता है। बाकी चीजें हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।